जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां सारे तीर्थ विराजमान हुआ करते हैं। लोग बुजुर्गों का, अपने पिताओं का, पूर्वजों का सम्मान नहीं करते और वो गंगा जी में जाकर के डुबकी लगाते हैं, शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों का भला भी शिव नहीं करते। बोलो, अगर शिव भला करते तो देवता पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकले, और ये कहा था जिस जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा उसकी अग्र पूजा होगी, आगे पूजा होगी। गणेश जी इस भाव को जानते थे, शिव पार्वती की परिक्रमा को किया करके बैठ गए। देवता लौट करके आए, बोले ये चूहे वाला कैसे आ गया पहले, समझ गए इस मर्म को तो बिरले लोग जानते हैं। भोले बाबा मुस्करा गए, अरे देवताओं तुम ये नहीं जानते, जिसने माँ बाप की परिक्रमा कर ली संपूर्ण संसार की परिक्रमा कर ली। हमने जिंदे माँ बाप को रोटी नहीं दी, मरने के बाद कना को तुम श्राद्ध करते हैं, क्या गारंटी है कि तुम्हारे पिताजी कौआ बन के खा रहे हैं, कोई और नहीं बनाया, ये परमात्मा की व्यवस्था है। जीते माँ बाप की सेवा करो, मरने के बाद करो ना करो ये आपकी जिम्मेदारी है, वो देखने और बताने नहीं आ रहे। ये सिर्फ हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। जीते माँ बाप की हमने सेवा नहीं की, जिस घर में माँ बाप और बुजुर्गों की सेवा हुआ करती है सज्जनों, उस घर में सारे तीर्थ वास करते हैं। एक बात मैं कहूं, सब तीर्थों का राजा कौन है, प्रयाग संगम, सब तीर्थों का राजा प्रयाग है, तो सारे तीर्थ प्रयाग को कर देने जाते हैं, क्योंकि प्रयाग राज तीर्थ राज प्रयाग, सारे तीर्थों का राजा प्रयाग है, तो सारे तीर्थ कर देने जाते हैं प्रयाग को टैक्स देने, लेकिन वृंदावन से कोई नहीं जाता, वृंदावन के गोविंद नहीं जाते। एक दिन प्रयाग ने सबको बुलाया, बोले सब लोग तो हमें टैक्स देते हैं, ये बताओ वृंदावन वाले क्यों नहीं आते, कन्हैया क्यों नहीं आते, अब हम तीर्थों के राजा हैं तो सबको आना चाहिए, पहले हमें राजा बनाया क्यों। तो भगवान मुस्करा करके बोले, सुनो प्रयागराज, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया, घर है हमारा वृंदावन, हम टैक्स देने नहीं जाएंगे, सिर्फ तुम तीर्थों के राजा हो, मेरे वृंदावन के राजा वो तो मेरा घर है। जहां पर बुजुर्गों का सम्मान हुआ करता है सज्जनों, वहां देवता वास करते हैं, सारे तीर्थ वहां विराजमान हो जाते हैं, इसलिए बुजुर्गों की सेवा करो।